अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इन फैमिली केस। फैमिली केस में आईनी पिटीशन, रिट पिटीशन। फैमिली केस में केस फाइल हुआ, फाइल होने के बाद हमने उसमें अपील फाइल की, अपील से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करना चाह रहे हैं, यानी आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। अगर हम आर्टिकल 199 की जुरिडिक्शन को देखते हैं, उसको वेल डिफाइन करते हैं हम और उसकी इन्वोकेशन देखते हैं तो वो एक लिमिटेड है। इसका मकसद बेसिकली फोस्टर जस्टिस है और प्रोटेक्ट राइट्स एंड करेक्ट एनी रॉन्ग्स। सीपी का मकसद होता है आर एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन प्रोसीजरल इररेगुलरिटी, यानी किसी केस में कोई गलत किया गया है तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फोस्टर जस्टिस के लिए, अगर कोर्ट ने एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन बना ली है, प्रोसीजरल को इररेगुलरिटी की है, तो हम सीपी फाइल कर सकते हैं। मगर उस सीपी को बतौर रवियन, बतौर अपील एंटरटेन नहीं हो सकती। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में एविडेंस को रीअप्रिशिएट नहीं कर सकती और उस सूरत में उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है जब एक लिमिटेड ग्राउंड्स है उसके पास इंटरफेरेंस करने के, वो भी एज ए एक्सेप्शन। और ये रूल एज ए रूल नहीं होगा, एज ए एक्सेप्शन होगा। हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि एविडेंस को री एग्जामिन करे। इस तरीके से तो उसकी डबल अपील हो जाएगी। जब सिंगल अपील है तो हाई कोर्ट में सिर्फ इररेगुलरिटी पर एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन या प्रोसीजरल इररेगुलरिटी है तो हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट में सीपी फाइल हो तो उसका एक लिमिटेड रूल है फॉर करेक्टिंग ज्यूरिडिक्शन एरर या प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटीज अगर मौजूद हैं तो हाई कोर्ट सिर्फ इन चीजों को देखेगी, उसकी एविडेंस को री एग्जामिन नहीं करेगी। रूलिंग है पीएलडी 2007 एससी पेज 45, 2023 एससीएमआर पेज है 246 है और 2020 से एससीएमआर पेज है 413। चूंकि फैमिली केस में कोई दूसरी अपील अलाउ नहीं है इसलिए अपीलांट का फैसला फुल एंड फाइनल होता है। हाई कोर्ट में दूसरा मौका सीपी में देने का मतलब तो यह है कि उसको दूसरी अपील, सेकंड अपील का मौका दिया जा रहा है। बेसिकली लेजिस्लेटिव का यह मकसद था कि इस मैटर, फैमिली मैटर को तूल ना पकड़ा जाए, इसको लंबा ना किया जाए, फिर फौर इस पर फैसला किया जाए, इसलिए इसमें सीपी अलाउ नहीं है, दूसरी अपील अलाउ नहीं है। रूलिंग है 2023 एससीएमआर पेज 1434 है, जस्टिस ऐशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन असर रिजवी और मोहम्मद, दो जजों का यह फैसला है जो मोहम्मद हम्मा सुल्तान वसे मुसम्मद इस्मा बुखारी का केस था। सुप्रीम कोर्ट में इसमें यही करा दिया 2023 एससीएमआर पेज 1434 में कि चूंकि इसमें दूसरी अपील नहीं है इसलिए सीपी भी फाइल नहीं हो सकती। अगर सीपी फाइल हो तो उसकी लिमिटेड एक चीज है, कोई एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन है उस बेस पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज एविडेंस को रीएग्जामिन नहीं किया जाएगा। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का, फिर मिलेंगे, नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।